वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे ऐसे ऐसे ग्राफ कैसे हम फोटोशॉप में बनाएं, ऐसा ग्राफ भी कैसे हम फोटोशॉप में बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस एन न्यू शीट लेंगे और कंट्रोल प्लस आर से जे ऑन कर लेंगे रूलर को। उसके बाद यहाँ से ड्रैग खींचते हुए हम न्यू गाइड्स बनाएंगे। हमने दो बना ली, हॉरिजेंटल थे वर्टिकल। उसके बाद हम आज काम करेंगे पेन टूल पे। यहाँ पे हम पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब हम क्लिक करते ऐसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के बाद हमारा जो ग्राफ नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट जब क्लिक करते हैं तो यहाँ प्रेस करके रखना है और लेफ्ट साइड से ड्रैग करना है, ऐसे बनाए। और जो दिखाई दे रही है लाइन्स, अल्ट प्रेस करके हम इस लाइन को यहाँ पर पॉइंट अल्ट तो दूसरा अल्ट ऐसे हो, रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर, इसे करेंगे सेलेक्ट और न्यू लेयर्स। हम देखेंगे यहाँ ये शेप है और ये हमारी न्यू लाइन बन चुकी है। और हम शेप को कर देंगे हाइट, तो जो न्यू लेयर्स है उसमें हम काम करेंगे। इसमें हम अप्लाई करेंगे ग्रेडिएंट और कोई भी डिज़ाइन हम ग्रेडिएंट का ले सकते हैं, ऐसे स्टाइल ले सकते हैं। हम नीचे कलर चूज़ कर लिया और यहाँ से ऐसे जब ड्रैग करते हैं तो ऐसे का जो कलर फिल होता है, आप दोबारा फिर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ऐसा कलर फिल हो सकता है। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल प्लस एच फॉर हाइट, उसके बाद कंट्रोल प्लस जे और कंट्रोल प्लस टी। यहाँ सेंटर पॉइंट इसके साइड में लगा देंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हम करेंगे फिलिप हॉरिजेंटल, तो ऐसा शेप बन जाती है। उसके बाद हम करेंगे जो देखते हैं कि हमें शेप की अब ज़रूरत नहीं है, इसे कर देंगे सेलेक्ट करके डिलीट। और डिलीट लेयर करने के बाद जो हमारी दो लेयर्स है इसे मर्ज करेंगे। जो फर्स्ट लेयर है उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगी। मर्ज होने का मतलब कि दोनों जो अलग अलग शेप एक हो गई है। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल प्लस एच और करेंगे कंट्रोल प्लस टी और सेंटर पॉइंट को रखेंगे यहाँ पे और करेंगे माउस से ड्रैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एंगल कितना रखना है। जैसे हमने मैंने ये ड्रॉ किया, एंगल 29.8 है और यही सेट रखना चाहिए, यही कर सकते हैं आप, कर सकते हैं और भी। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे शिफ्ट अल्ट कंट्रोल, तीनों ही साथ में प्रेस रखेंगे और टी को छोड़ेंगे, टी को दबाएंगे। हमने तीनों को प्रेस रखना है और टी को छोड़ना है और उसे प्रेस करना है, ऐसे ये शेप बनेगी। थैंक फॉर वॉचिंग।